क्या कहेंगे आप? देखिए हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा करके करें, खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति पिछले 4 वर्षों से गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के विरोध में काम कर रही थी। एक जन आंदोलन का रूप इस विषय ने ले लिया था। इमाम संगठन गुरुग्राम तथा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने मीडिया के सामने संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा कर दी कि हम किसी भी स्थान पर गुरुग्राम में नमाज अदा नहीं करेंगे। ऐसे 37 स्थानों पर नमाज अदा करते थे पहले, वो आज शून्य पर आ गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इसमें संज्ञान लेते हुए आज ये घोषणा की है कि हरियाणा में यानी गुरुग्राम में कहीं भी सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी, नमाज अदा वे अपने स्थानों पर करें। यह संवैधानिक प्रश्न है। इसके माध्यम से मैं पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करना संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से गलत था। इस निर्णय को सभी ने स्वीकार कर लिया है। इसकी हरियाणा सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और मुस्लिम मंच का तथा इमाम संगठन का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। जी क्या कहेंगे? देखिए हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा करके करें, खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी।